अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस कितना हम पढ़ेंगे, ये एक पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करें, उसमें इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं। और वैसे ये बीएससी इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है, इसको आप देखा करें, जिसमें तरतीब से लेक्चर मिल जाते हैं टॉपिक वाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, वॉट इज़ लैंग्वेज? लिंग्विस्टिक्स इज़ डिफाइंड, लिंग्विस्टिक्स की तारीफ की जाती है एज द साइंटिफिक स्टडी, बतौर साइंसी मताला के ऑफ लैंग्वेज, ज़बान के। यानी जिस तरह साइंस चीज़ों का मताला करती है ना, एक्सपेरिमेंट करती है, यानी मफरूज़ा पहले बनाया जाता है, फिर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, फिर उस पर रिज़ल्ट को देखा जाता है, डिस्कशन की जाती है, फाइंडिंग दी जाती हैं, फिर वो मफरूज़ा साबित हो जाए तो थीरी बन जाती है, नहीं हो तो रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह ये साइंटिफिक तरीक़ाकार है, यानी हर बंदा इसके बारे में सेम ओपिनियन रख सकता है, इसे कहते हैं साइंटिफिक। इसमें सब्जेक्टिव चीज़ नहीं होती, यानी लिंग्विस्टिक्स की बात जो है मैं करूं, आप करें, पूरी दुनिया में जो शख्स भी कर रहा है, वो बात सेम होगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें है, यानी सब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनल चीज़ें नहीं, पर्सनल आइडियाज़ नहीं दे सकता इंसान, बाकी मज़ामीन में दे सकता है साइंस के अलावा जो है, यानी एक साइंटिफिक अप्रोच है। साइंस के अलावा बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ है, इसमें पर्सनल ओपिनियन भी हो सकती है, उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें साइंटिफिक जो आउटलुक है, या साइंटिफिक मेथड है, या साइंटिफिक तरीक़ाकार है, साइंटिफिक स्टडी है, इसमें तमाम दुनिया में एक सवाल का एक ही जवाब होगा। लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस इनर थॉट्स एंड इमोशंस। ज़बान इस्तेमाल होती है अंदरूनी ख्यालात और जज्बात को बयान करने के लिए। इनर मीन अंदरूनी, थॉट्स ख्यालात, इमोशंस जज्बात, लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे इंग्लिश कर रहे हैं, वो भी लिंग्विस्टिक्स में, तो पहला टारगेट होना चाहिए कि हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड वेल, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। तो ये लैंग्वेज, यानी वाव की आवाज़ दरमियान में आती है थोड़ी सी, लैंग्वेज। इस तरह लिंग्विस्टिक्स, यानी आप समझने की खातिर कह सकते हैं वाव, इतना वाव नहीं है, लेकिन मुंह, लेकिन होंठ गोल होते हैं, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज। मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। मेक सेंस मीन समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा, एक से ज़्यादा ख्यालात, एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, हमारे जहन में जो ख्यालात आते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता, गैर मरीज कहते हैं जैसे। अब इनको कोई शक्ल देने के लिए अल्फाज ही है ना, कि मेरे जहन में इस वक्त क्या सोच है, मैं बोलूँगा तो पता चलेगा कि ये है, भी खुशी की बात है, कोई गमी की है, या लिख कर बताऊँगा। लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होती है। फुलफिल आर वॉन्ट्स एंड नीड्स, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड टू इस्टेब्लिश रूल्स, और कवानीन मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि इसमें कोई भी क्लास के कवानीन है, स्टडी में कवानीन है, रोड के कवानीन है, हर तरह में ज़िंदगी के हर शोबे में कोई कानून बनाने के काम आती है। एंड मेंटेन आर कल्चर, और हमारी तहजीब को, सकाफत को बरकरार रखने के काम आती है। तो सकाफत और ज़ुबान का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, कि पोइट्री, ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरीज़, ये लैंग्वेज के ज़रिए ही लिखी जाती है, महफूज होती है, और आगे नस्लों तक मुंतकिल होती है। अब कौम के रसूम और रवाजात हैं, और लैंग्वेज है, इसलिए जो भी किसी मुल्क को फतह करता था, तो पहले उसकी लैंग्वेज को ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज वर्बल, लैंग्वेज की आगे फिर शक्लें हो सकती हैं, लैंग्वेज की ज़ुबान की तारीफ की जा सकती है एज वर्बल, यानी बोलकर, फिज़िकल, ये तबई हैसियत भी रखती है, बायोलॉजिकली इनेट, हमारे अंदर पहले से मौजूद है इसका मैकेनिज्म, इनेट मीन पहले से मौजूद होना, बाय बर्थ होना, जब बच्चे की बर्थ होती है उसमें जिस तरह एसाबी निज़ाम होता है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, तो इस तरह ये बोलने का भी एक मैकेनिज्म, एक तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने बिल्ट इन किया हुआ है, पहले से ही इसमें रखा हुआ है इंसान में, कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है। एंड अ बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और अबला की, यानी बातचीत की एक बुनियादी शक्ल है। द क्वेश्चन, ये सवाल के व्हाट इज़ लैंग्वेज, ज़ुबान क्या है, इज़ इक्वल टू, ये ऐसे ही है जैसा कि कहा जाए, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, यानी
समझ लें इतनी अहमियत दे रहा है ये राइटर ज़ुबान को कि ज़िंदगी क्या है, तो इस तरह मतलब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के अंदर पूरी ज़िंदगी है। जैसे कि पहले बात हुई है कि इंसान अपने बच्चा और बच्चे और वालदेन का ताल्लुक ज़ुबान से ही कायम होता है, कम्युनिकेशन से कायम होता है। फिर बच्चे का मुआशरे से ताल्लुक, पूरी दुनिया से ताल्लुक, तहजीब से ताल्लुक, इवन ये जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं ये भी लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज के ज़रिए हमारा अल्लाह से ताल्लुक है। तो लैंग्वेज ही ज़िंदगी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, ये इसकी तारीफ़ करना मुश्किल बन जाता है। द वर्ड लैंग्वेज, लफ्ज़ लैंग्वेज की तारीफ़ करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन इट हैज़ मैनी अल्टरनेट वर्ड्स, जबकि इसके बहुत से मुतबादल अल्फाज भी हैं इसके लिए इन अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों में। इन फ्रेंच मसलन फ्रांसीसी ज़ुबान में टू वर्ड्स आर फाउंड, दो अल्फाज मिलते हैं फॉर द वर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज लफ्ज़ के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लैंगेज एंड लैन, LANGUE लैन पढ़ते हैं इसे, लैन इसका मतलब है ज़ुबान, लैंग्वेज। वेयर एज़ इन इटालियन, जबकि इटालियन ज़ुबान में द अल्टरनेट वर्ड्स आर लिंग्वेजियो एंड लिंगवा। तो इस तरह के जो लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, ग्रीक हैं, आप इसमें थोड़ा सा तलफ़ का फ़र्क हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल है, कबूल हो जाता है। एनी वन हु पोजेसेस अ लैंग्वेज, कोई भी शख्स जिसको ज़ुबान आती है, मतलब पोजेसेस मीन जिसने हासिल की हुई है, जो बोल सकता है, सच एज इंग्लिश, अरबिक, उर्दू एट्सेट्रा, जैसे कि अंग्रेज़ी अरबी उर्दू से आती है एट्सेट्रा। सो डियर व्यूअर्स, ये लफ्ज़ है एट्सेट्रा, ETCETRA एट्सेट्रा, लोग पढ़ते हैं एक्सेट्रा, काफ की आवाज़ कहीं नहीं है इसमें, टे की आवाज़ है, ठे की, एट्सेट्रा। पजेजिज लैंग्वेज, जैसी कोई भी ज़ुबान आती है तो इसका मतलब है कि उसे ज़ुबान आती है, पजेजिज लैंग्वेज मीन कि उसके पास ज़ुबान है, वो ज़ुबान बोल सकता है। वन कैन नॉट पजेस और यूज नेचुरल लैंग्वेज, कोई भी शख्स हासिल नहीं कर सकता या इस्तेमाल नहीं कर सकता नेचुरल लैंग्वेज, फितरी कुदरती ज़ुबान, फितरी ज़ुबान विदाउट बगैर पजेसिंग और यूजिंग, हासिल करने के या बोलने के सम पर्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेज, कोई ख़ास फितरी ज़ुबान, कुदरती ज़ुबान। अच्छा, लैंग्वेज में भी आगे तकसीम है, कंप्यूटर की भी तो लैंग्वेज है, जानवर भी आपस में बात करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, कि हम उसे ही ज़ुबान का आना कहेंगे जो कि कुदरती फितरी ज़ुबान है। अगर किसी ने फितरी कुदरती ज़ुबान सीखी है, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू वगैरह, तो वो ही फिर आगे और ज़ुबानें भी सीख सकता है। हम तब ही कहेंगे कि उसे कोई ज़ुबान आती है, जब उसकी उर्दू, इंग्लिश, अरबिक या लोकल लैंग्वेज आती है, तो फिर हम कहेंगे कि उसे ज़ुबान आती है। और मशीनी लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले कोई ना कोई नेचुरल लैंग्वेज उसे आए, स्पेनिश, इटालियन, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी ज़ुबान। The term natural language is applied to a variety of other systems of communication. फितरी कुदरती लैंग्वेज जो है, ये इसका अतलाक होता है बहुत सी अकसाम की और दूसरे बातचीत के निज़ामों पर। नोटेशन मीन वही जो कंप्यूटर है, नोट पैड है, टेबलेट है, और कैलकुलेशन या फिर हिसाब किताब के लिए। अबाउट विच देयर इज़ अ रूम फॉर डिस्प्यूट, जिसमें किसी न किसी मसले की गुंजाइश होती है। रूम का मतलब है गुंजाइश, कैपेसिटी, चांस। कंप्यूटर और मैथमेटिकल लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर और मैथमेटिकल जो लैंग्वेज हैं इंसानी ज़ुबानों से मुख्तलिफ हैं। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है ह्यूमन लैंग्वेजेस, इंसानी लैंग्वेजेस, सो दे कैन नॉट काउंट एज नेचुरल लैंग्वेजेस, लिहाजा इन्हें नेचुरल ज़ुबानें नहीं कहा जाता, कि नहीं, कंप्यूटर और मैथमेटिकल लैंग्वेज को। दीज नोटेशनल सिस्टम्स आर आर्टिफिशियल, ये जो नोट करने वाले सिस्टम हैं ये मसनूई हैं, रादर दैन नेचुरल, यानी ये नेचुरल नहीं हो सकते, ये मसनूई सिस्टम है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर हाईली कॉल्ड लैंग्वेज और नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव मीन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे लोग ज़ुबानें कहें या ना कहें। प्री एग्जिस्टिंग नेचुरल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एस्पेरेंटो, पहले से ही जो फितरी ज़ुबानें मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है एस्पेरेंटो। Thousands of recognizably distinct natural languages are spoken throughout the world.
थाउजेंड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेबली, यानी वो ज़बानें जिनकी अलग अलग शनाख्त हो सकती है। डिस्टिंक्ट मीन इम्तियाजी खसूसियात रखती हैं, मुख्तलिफ खसूसियात रखती हैं, उनकी अलग से पहचान है, फितरी ज़बानें हैं, आर स्पोकन बोली जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यानी हज़ारों मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। द मेन क्वेश्चन हियर इज़ टू फाइंड आउट, यहाँ एक बड़ा सवाल ये बनता है कि जवाब ढूंढा जाए, वेदर ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस, कि आया कि तमाम फितरी ज़बानें हैव समथिंग इन कॉमन, उनमें कोई चीज़ मुश्तरक है, नॉट शेयर्ड बाय अदर सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बाकी अबला के निज़ामों में नहीं पाया जाता है। आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल कम्युनिकेशन, जानवरों की बातचीत जो है अबलाग है, एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, और मसनूई ज़बानें क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कि इंसानों ने बनाई हैं। देखें, जानवर भी आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन इसे हम ज़बान नहीं कह सकते। नेचुरल लैंग्वेज सिर्फ इंसानों की लैंग्वेज है, और जो मशीनों की लैंग्वेजेस है उसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, न्यूट्रिशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो डियर व्यूअर्स, आई का मतलब है IDEST, एक वर्ड है लैटिन में, उसको उसके दो लेटर लिखे जाते हैं, IE मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसा कि मैंने वादा किया हुआ है कि मैं इंग्लिश में समरी भी पेश करूंगा, तो बस एक दो मिनट की समरी है। सो डियर व्यूअर्स, टू बिगेन विथ टॉपिक वन, व्हाट इज़ लैंग्वेज, द राइटर हैज़ गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। ही हैज़ स्टार्टेड विद A brief definition of linguistics has been given first, then the rest of the topic is about language. How, what is language and why language is used? Language is used to communicate with each other. Human languages are called natural languages, and machine and notational and artificial languages are created by human beings. And there are so many other languages. And to learn any machine language, some natural language is required. So, one day will be fixed for 502 and one day 507. Video in some next video. Allah Hafiz.